मैं लिट्टी चोखा बेचता था तो मुझे किसी की मदद नहीं मिली थी, तो आज आप लोगों ने खेसारी को इतना बड़ा प्यार और इतना चंदा देकर खेसारी को आप लोगों ने गहने से लाद दिया है। संपत्ति जितना नहीं चाहता था मैं उतना कमा लिया। अगर आज आप लोगों के चंदा दिया हुआ पैसा अगर आप किसी के भाई के काम आ जाता है तो खेसारी के घर से क्या जाता है। मैंने बाप का भेद बेच के दिया है। उन बच्चों को बाप का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन एक मामा का प्यार तो दे सकता हूँ ना, उनका मामा बन के जीवन उनका चला सकता हूँ। तो मैंने बस एक इंसानियत का फर्ज अदा किया है, बाकी कुछ नहीं। 1 लाख भाई, मैंने ये पब्लिक स्टेज इसलिए लिया कि अगर हर बड़ा आदमी ऐसे अनाथों को अपना लेगा तो शायद इस धरती पे अनाथ शब्द नहीं रह जाएगा, और एक भी आदमी अगर उस घर पे जाकर मदद किया तो शायद उस बच्चों का भविष्य बन जाएगा। बाकी जितना मेरा सब हो सकेगा, मैं जब तक जीऊंगा तब तक उन बच्चों को एक मामा की तरह गोद लेकर अपनी हर चीज करूंगा उनके लिए। खेल भाई हार 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 छपाई से पहले इधर इधर आप मायूस क्यों हो गए? ईश्वर ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, आपको ना खेसारी ने बनाया है, ना पवन भैया ने बनाया है, ना दिनेश यादव निरहुआ ने बनाया है, ना रवि सिंह ने। ये पब्लिक ने आपको प्यार दिया है, मायूस नहीं होते। हम इनके बच्चे हैं, हमें कभी कम नहीं होती क्योंकि इतने सारे माँ बाप हैं हमारे। ये जनता आज 6 से 7 लाख की पब्लिक है, ये हमारे माँ बाप हैं। आप सबने हमें बनाया है, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा जरूर किया है, लेकिन आज जीवन अगर मिला है तो आप सबके बदौलत मिला है, नहीं तो आज भी सारी दिए बेचता। लेकिन खेल हुई हार हार छपाई से पहले एक सैड सॉन्ग आ रहा है। हमेशा सैड सॉन्ग में हमको का याद रखते हैं, जितना सैड सॉन्ग आए हैं, जितने लोग हैं सब कोई कहते हैं कि सैड सॉन्ग नहीं लिए गए हैं। ये बताइए उससे पहले भी सही से रोमांटिक गाना में हम नहीं रहते हैं, सैड सॉन्ग में जरूर रहते हैं। जो दिल के करीब होते हैं ना वही दुख में रहते हैं। हाँ, हाँ, गलत बोल रहा हूँ, इसको आप अपना मत लीजिए। जो दिल के करीब होते हैं वही दुख में होते हैं, और उन्हें ही दुख में याद करता है कोई, है कि नहीं भाई? एक बार ताली बजा कर बता दीजिए आप लोगों की सभा है। कि तू ये तना सुंदर आँख में तहरी सूरज फसल का पढ़ाई कैसे कि दिल तोड़ होने न जाई। हाँ 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 आज किरिया भाग्य कि आज पब्लिक के सामने सभी कार्य का लाखे सरिये लागे लेकर यहाँ दादा आज आज मर जाए कि ससुरा तो अगर एतराज है इस जमाने को दो दीवानों के जीने से, अगर एतराज है इस जमाने को दो दीवानों के जीने से, तो है खुदा हटा दे इस दिल का सिस्टम सीधे से।
कि मर जाए भी ससुराल जाए ए पहिले मर जाए भी ससुराल जाए ए पहिले अपने हो ऐसे शांत नहीं होंगे तो ये कार्यक्रम ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम दोनों जाएं, हम और अक्षरा जी जाएं, नहीं जाएं ना, तो प्लीज आप एक बार बैठ जाइए ना। पीछे के भाई लोग प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं प्रार्थना। आप लोग इतने सम्मानित लोग हैं, आप लोग भगवान की तरह मंदिर की तरह हैं, पवित्र हैं, आपने खेसारी को बनाया है। आप लोग हंगामा करेंगे आपका ही नुकसान होगा, उसमें किसी का सर फटेगा, किसी का पैर टूटेगा, नुकसान किसका होगा, आप सबका होगा। आपको कहीं तकलीफ होगी तो दुख तो खेसारी को ही होगा ना, कि कहीं ना कहीं आप मेरे समर्थन और मुझे मोहब्बत करते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। तेरा गम मोहब्बत पे हावी ना होता, तेरा गम मोहब्बत पे हावी ना होता तो खुदा की कसम से सारी शराबी ना होता।
लड़का कहा था तेरे गम में जिया करूंगा, अगर गम कम नहीं होगा तो पिया करूंगा, लेकिन याद रखना मर जाने के बाद भी यमराज के मोबाइल से तेरे मोबाइल पर मैसेज दिया करूंगा। चलिए बहुत सारे कलाकार हैं तो अभी थोड़ा सा मैं चाय पी लेता हूँ, चाय पी सकता हूँ ना भाई लोग। हाँ अक्षरा जी हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं गाने वाले, तो सब लोग आएंगे बारी बारी से आपका प्यार दिया। एक मिनट मैडम, मैं कर एक सुन लीजिए। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, कोई तारा टूट जाए फिर भी जमीन पर नहीं गिरता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, कोई तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। और रोज हजारों दरिया मिलते हैं समंदर में जाके, समंदर कितना भी गरीब हो जाए।